डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं अब आप इलेक्ट्रॉन लो जिसका मास एम है और चार्ज ई है, मान लो वी एक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जब वो रेस्ट से चला, इलेक्ट्रॉन अपने आप रेस्ट से चलता नहीं, मैंने वी पोटेंशियल लगाया तभी चला, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी, ई इंटू वी एनर्जी दी। अब ये ई इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ये काइनेटिक की फॉर्म में नजर आएगी आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई टू एम, पी फॉर मोमेंटम। तो इसमें काम कर सकते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम इज इक्वल टू ई वी कर लेते हैं, जो भी आपने एनर्जी दी वो पी स्क्वायर बाई टू एम है या काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है कि अगर आप इसको इसको इक्वेट करते हो तो पी का ये फॉर्मूला आता है, अगर आप इसको इसको इक्वेट करते हो तो पी का ये फॉर्मूला आता है। तो इस केस में क्या आएगा, मोमेंटम की ये वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स में ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है या कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम है, वैसे इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इसके इक्वल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, एच पॉन पी, पी को चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो, दोनों फॉर्मूलाज वैलिड है, न्यूमेरिकल में दोनों के दोनों काम आएंगे, दोनों के दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम आएगा। जिन न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक एनर्जी के गिवन है उसमें ये लगा लेंगे, जिसमें पोटेंशियल वी गिवन है उसमें ये लगा लेंगे। अब इस रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखो, एच हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, सारी वैल्यूज पुट करके वी की फॉर्म में आंसर आएगा। रादर जब न्यूमेरिकल आएगा कि जिसमें वी गिवन होगा पोटेंशियल और लैम्डा पूछा होगा इलेक्ट्रॉन का, अब ये भी यूज़ नहीं करेंगे, सीधा ये यूज़ करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बच जाती हैं। 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम इसकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट पे है जो प्रोड्यूस किया गया एक्सेलरेट, तो 54 पुट करेंगे सीधा लैम्डा आ जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा कैन बी कैलकुलेट।